गाइस देखो ये चाउमीन बन रही है, उमेश चाउमीन भंडार। ये चाउमीन रखी है और इसका ये सामान वगैरह, ये देखो कल्ला वगैरह इसमें भुना जा रहा है। ये उमेश है यहाँ, इसको बढ़िया तरह से भुना जा रहा है और इसमें शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है। भाई देखो अभी इसमें ये क्या डाला जा रहा है, भाई ये खट्टा पानी डाला जा रहा है इसको, इसको टेस्टी बनाने के लिए चाउमीन को। ये देखो भुन चुकी है, कितनी कम हो चुकी है, काफी अच्छे से इसको भुना जा रहा है। ये उमेश की काफी फेमस दुकान है, ये चाउमीन की काफी अच्छी बनाते हैं। तो गाइस इसमें देखो अब चाउमीन डाली जा रही है इतनी सारी। अब मसाले पर है, अब इसमें मसाले डाले जाएंगे, जो भी मसाले डालेंगे इसमें। ये देखो मेरी मिर्च आ रही है, मेरी मिर्च आ रही है, सूसा हो गया। इसमें मसाले डाले जा रहे हैं, देखो काफी मात्रा में मसाले, ये देख सकते हो इसको टेस्टी बनाने के लिए। ये नमक वगैरह है वगैरह। अब इसमें ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, छिड़का, ये छिड़का डाला जा रहा है, ये देख सकते हो। अब इसको देखो इसको काटा जा रहा है, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं क्योंकि इसको बारीक करेंगे तो अच्छी मिलने में आसानी होगी। चाउमीन भाई साहब, चाउमीन बन रही है आपकी। देखो किच्ची, देखो कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया बनाते हैं, काफ़ी फेमस दुकान है इनकी, चाउमीन में ये मास्टर हैं। उमेश चाउमीन भंडार के नाम से इनकी दुकान है। अभी थोड़ा ही सामान रखा है, जैसे जैसे शाम डलेगी वैसे ही वैसे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है शाम के टाइम। और अंडा चाउमीन की भी व्यवस्था है यहाँ पर, अभी लगाएंगे थोड़ी देर में ये, हम अगर अभी लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये फ्राईदान वगैरह रखा है अंडा चाउमीन के लिए, जो लोग खाते हैं उनके लिए। ये देखो कितनी मस्त बना दी है इन्होंने। ये इनके कस्टमर हैं, अभी इनका वेट कर रहे हैं चाउमीन का, ये देख सकते हो। से आए हैं चाउमीन खाने के लिए। देखो आग जल रही है काफ़ी तेज़, इसको पकाया जा रहा है अच्छे से। और इनकी ये परचून की दुकान भी है, आप देख सकते हो, आपको दिखाते हैं। ये देखो इनकी परचून की दुकान है, काफ़ी सामान वगैरह, ये अंडे रखे हैं देखो, ये तो इनके ग्राहक आ गए लेने के लिए। देखो देखो चाउमीन, भाई हमें भी टेस्ट करके दिखाना कैसी चाउमीन बनाई है आज फिर आपने। शाम के टाइम यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, काफी ज्यादा। तो गाइस मैं भी देख रहा हूँ उमेश ने चाउमीन कैसी बनाई है, खाकर काफी अच्छी टेस्टी है, काफी अच्छी बनाई है उमेश ने, जो चाउमीन बनाए में काफी माहिर है। तो आप भी आ सकते हैं खाने के लिए, यहाँ पर शाम के टाइम काफी भीड़ होती है यहाँ।